space summoned. आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नए नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। कभी कभी हमारे पास छोटे टुकड़े रहते हैं तो उसका हम कैसे बैग, छोटा सा एक बैग बनाएंगे। उसके लिए हमें 8 इंच बाय 6 इंच के 2 क्विल्टेड पीस लेने हैं। ये 8 इंच हैं, ये 6 इंच हैं। 8 इंच बाय 6 इंच का एक लाइनिंग का पीस, 22 इंच बाय 3 इंच का एक क्विल्टेड पीस, 8 इंच बाय 3 इंच का एक क्विल्टेड पीस और एक लाइनिंग, 8 इंच की 2 जीपर्स, 2 रनर्स। ये 15 इंच के 2 बेल्ट लिए हैं, उसके ऊपर 1 इंच का फैब्रिक का पीस लेके पाइपिंग किया है। अभी हमें 8 इंच बाय 6 इंच का एक क्विल्टेड पीस लेंगे। ये 8 इंच की साइड है, वहाँ पर हमें 1.5 इंच मार्क करना है, 1.5 इंच पे, और ये मार्किंग के ऊपर हम कट करेंगे। 8 इंच के 2 जिपर लिए थे, उसमें से हमें एक लेना है, ये सीधी साइड उसके ऊपर हम रखेंगे और सिलाई करेंगे। इसके बाद हमें ये ऊपर की तरफ करना है और उसके ऊपर टॉप स्टिच करना है। यहाँ पर हम करेंगे और ऊपर का पार्ट हम इसी तरह से जोड़ना है। इस तरह से दोनों साइड जॉइन करना है और यहाँ से रनर डालना है। 8 इंच बाय 6 इंच का ये लाइनिंग का पीस है, ये हम इसके बैक साइड में जोड़ेंगे और चारों साइड से सिलाई करेंगे। ये लाइनिंग जोड़ने के बाद हम ऊपर की साइड से हमें सेंटर मार्क करना है। सेंटर से हमें 1.5 इंच मार्क करना है दोनों साइड से। वैसे ही हम दूसरे पार्ट के ऊपर करेंगे। इसके ऊपर हमें ये बेल्ट जोड़ना है, मार्किंग के बाहर से हमें जोड़ना है। ये डिज़ाइन नीचे की तरफ हम रखेंगे। इस तरह से दोनों पार्ट के ऊपर बेल्ट जॉइन करके लिया। अभी हमें 8 इंच बाय 3 इंच का ये क्विल्टेड पीस और लाइनिंग का पीस लेना है। इसका हम सेंटर मार्क करके वो मार्किंग के ऊपर हमें कट करना है, लाइनिंग के साथ हमें कट करना है और 8 इंच की हम जिप उसके ऊपर जोड़ेंगे। सीधी साइड हम उसके ऊपर रखेंगे और उसके बैक साइड में लाइनिंग की सीधी साइड हमें रखना है और सिलाई करना है। ऐसे हमने दोनों पार्ट जॉइन किए हैं और टॉप स्टिच किया है। यहाँ से हमने रनर डाला है, अभी हमें चारों साइड से सिलाई करना है। ये चारों साइड से सिलाई होने के बाद ये 22 इंच बाय 3 इंच का ये पार्ट हम यहाँ पर जोड़ेंगे। ये जॉइन करने के बाद हमें इसके ऊपर पाइपिंग करना है। पाइपिंग करके हमें यहाँ पर टॉप स्टिच करना है। टॉप स्टिच होने के बाद हमें ये जो पार्ट बनाया था यहाँ से हम जोड़ेंगे।
इतना हमें छोड़ना है और यहाँ से सिलाई करके हमें यहाँ तक सिलाई करना है। यहाँ तक आने के बाद हम ये मेजरमेंट हम देखेंगे कितना है, तो इतना हमें कट करना है। कटिंग होने के बाद हमें इसके ऊपर सिलाई करना है। जैसे हमने ये साइड जोड़ी थी वैसे ही हमें यहाँ पर जोड़ना है। पाइपिंग करके टॉप स्टिच किया है, अभी हमें ये सिलाई कंटिन्यू करना है। ये पार्ट जॉइंट होने के बाद हम ये 8 इंच बाय 6 इंच का दूसरा पार्ट लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करके हमें ये पार्ट जोड़ना है। ये होने के बाद हम इसके ऊपर पाइपिंग करेंगे। यहाँ से हम चालू करेंगे और ऐसे पूरे राउंड में करना है, वैसे ही हम दूसरे साइड में करेंगे। ये दोनों साइड से पाइपिंग हो गई, अभी हमें टर्न करना है। इसी तरह से ये क्यूट सी बैग हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें कपड़ा भी बहुत कम लगा है, आपके पास कुछ बचा हुआ कपड़ा रहेगा उसका भी आप ये बैग बना सकते हैं और बहुत कम समय में ये बैग बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।